इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद क्रिश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम स्टोरी म्यूजिक के साथ हम कैसे अपनी गैलरी में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ओपन करना है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टेक विद क्रिश, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके हम यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो हमने ऊपर क्लिक कर दिया है, यहाँ हम नीचे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों क्रिएट पे क्लिक करके हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, यानी स्टोरी बनाएंगे। यहाँ दोस्तों मैंने लिख दिया है सब्सक्राइब टेक विद क्रिश। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसमें मैं म्यूजिक ऐड कर दूंगा। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ऊपर यहां पे मैं चौथा ऑप्शन स्टिकर का क्लिक करूंगा। यहां दोस्तों आप देख सकते हैं थर्ड रो पे पहला ऑप्शन म्यूजिक का लिखा है और मैं यहां पे म्यूजिक क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहां पे बहुत सारे म्यूजिक के ऑप्शन आ गए हैं, हम सबसे पहला वाला चूज करके इस पे ऐड कर देंगे। यहां दोस्तों हमने म्यूजिक को क्लिक किया और यहां हम ऊपर टॉप राइट पे डन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं म्यूजिक जो है वो लग चुका है और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं गाने के लिरिक्स शो होना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देंगे। यहां दोस्तों आप देख सकते हैं स्टोरी पोस्ट हो रही है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्टोरी लग चुकी है और ऊपर आप देख सकते हैं म्यूजिक भी लग चुका है। दोस्तों आवाज मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि यहां पे म्यूजिक के साथ दिक्कत हो सकती है। तो अब आप देख सकते हैं स्टोरी हमारी डल चुकी है। अब दोस्तों हमें मेन काम करना है, यानी हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। तो दोस्तों ये है वो ऐप जो हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल में। यहाँ दोस्तों ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों हम इस ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ ओपन होने के बाद ऐप कुछ इस प्रकार दिखेगी। नीचे हमें साइन इन इंस्टाग्राम के साथ कर लेना है। दोस्तों साइन इन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, स्किप पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ चुका है लिखा हुआ। अब यहाँ पे ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टोरी डाली है। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी नहीं डली होगी तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो स्टोरी दिखाई दे रही है जो मैंने अभी तुरंत पहले अपलोड की है। तो हम यहाँ पे उस स्टोरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम दोबारा स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ गया है। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया था, वीडियो सेव्ड। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपना वीडियो प्लेयर जो भी मोबाइल में है, मेरे फोन पे MX प्लेयर है तो मैं उसे खोल लूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने MX प्लेयर खोल लिया है। यहाँ दोस्तों एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम है स्टोरी सेवर, उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी है वो आ चुकी है और म्यूजिक भी चल रहा है। तो ऐसे हम इंस्टाग्राम स्टोरी को म्यूजिक के साथ अपने मोबाइल फोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी स्टोरी सेव कर सकते हैं, मतलब किसी की भी स्टोरी को आप म्यूजिक के साथ अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं इस ऐप के साथ जिसका नाम है स्टोरी सेवर। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप ये तरीका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो।